आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी की गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही देश के इस राज्य में मंदिरों में सामूहिक सावन पूजा पर सरकार ने लगा दिया है बैन, आखिर कौन से राज्य की सरकार ने लगाई ये बैन, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बात करेंगे आज के ताजा मौसम समाचारों की, देश के किन किन राज्यों में आज है भारी बारिश के आसार, देश के किन किन राज्यों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने मंदिरों में सामूहिक सावन पूजा पर लगाया है बैन। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के कारण देश भर में लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है, भीड़ लगाने से भी यहां पर मना किया जा रहा है। इन सब के बीच बिहार सरकार ने सावन महीने को लेकर बड़ा फैसला यहां पर लिया है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने जानकारी दी है कि बिहार सरकार ने एक सीढ़ी जारी की है जिसमें अगस्त महीने तक किसी भी तरह के धार्मिक कार्यक्रम और उसके आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। लोगों की सुरक्षा और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस बार यहां पर सावणी मेलों का आयोजन नहीं होगा और सावन महोत्सव से जुड़े किसी भी कार्यक्रम को पूरी तरीके से यहां पर किसी भी कार्यक्रम को पूरी तरह से बैन रहेगा यानी प्रतिबंध रहेगा। वह अखिलेश कुमार जैन ने लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों में ही पूजा अर्चना करें, मंदिर आमजनों के लिए पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वहीं मंदिर के पुजारी सिर्फ सुबह और शाम पूजा अर्चना और आरती करेंगे। सावन महीने में जो उत्सव और मेले का आयोजन किया जाता है उस पर भी प्रतिबंध बिहार सरकार ने लगा दिया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले बिल की, तो पेट्रोल पंप पर आप नहीं होंगे ठगी का शिकार, जान लीजिए जरूरी नियम। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, वही बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। इसी के साथ तो पेट्रोल पंप पर कई बार पेट्रोल की गड़बड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। वही फ्यूल स्टेशन पर ग्राहकों को पूरा पेट्रोल नहीं दिया जाता है और उनके साथ ठगी हो जाती है, ऐसे में लोगों पर दोहरी मार पड़ती है। लेकिन अब से ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, अब आप इससे बच सकते हैं। इसलिए पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाते समय आपको कुछ बातों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा, अगर आप सचेत रहेंगे तो ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर ग्राहकों को अलर्ट रहना काफी जरूरी है, कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं वो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। पेट्रोल भरवाते समय पहले आपको मीटर पर ध्यान जरूर आपको देना होगा। पेट्रोल भरवाते समय सबसे पहले आपको मशीन में लगे मीटर पर जीरो चेक करें, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको चूना यहाँ पर लग सकता है। इसके अलावा पेट्रोल की शुद्धता भी आप खुद चेक कर सकते हैं, आप पेट्रोल की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। कई बार गलत पेट्रोल या फिर मिलावट के साथ पेट्रोल बेचने की खबरें भी आती है, अगर आपको भी पेट्रोल की शुद्धता जांच करनी है तो आप पेट्रोल की कुछ बूंदें एक कागज पर लें और उसे यहां पर जांचें, अगर पेट्रोल शुद्ध है तो वह कोई भी यहां पर बिना दाग छोड़े वह उड़ जाएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो कागज पर दाग यहां पर रह जाएगा। वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत सभी पेट्रोल पंप पर फिल्टर पेपर टेस्टिंग की सुविधा होना अनिवार्य है, इसलिए आप भी इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। वही कई बार पेट्रोल पंप पर ग्राहक शॉर्ट फ्यूलिंग का शिकार यहाँ पर हो जाते हैं, कई ग्राहक 1000 या 2000 का पेट्रोल डीजल यहाँ पर लेता है तो वहाँ मौजूद वर्कर 1500 रुपये का तेल डालने के बाद स्टॉप कर देता है, इसके बाद दोबारा कहने पर वह फिर से वही यहाँ पर वही से तेल डालना शुरू करता है उसने जहाँ पर रोका था, ऐसे में आपको यहाँ पर चूना लग सकता है, इसे शॉर्ट फ्यूलिंग कहा जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर कभी भी ऐसा हो तो यहाँ पर वापस से मीटर को जरूर देखें। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू में दी है बड़ी राहत, अब रात 9 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाते हुए व्यापारियों को बड़ी राहत दी है, अब राज्य भर के बाजार रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। वही स्विमिंग पूल, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क भी 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। वही सोमवार को कैबिनेट मंत्री व सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण दर काफी यहाँ पर नीचे गई है, गिरावट आई है, इसके मद्देनजर दुकानों को खोलने की अवधि शाम 7 बजे की बजाय अब रात 9 बजे कर दी गई है। वही मुख्य सचिव डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू ने भी इस तरफ से आदेश जारी कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि मंगलवार सुबह नई SOP यहां पर लागू होगी। उन्होंने बताया है कि मल्टीप्लेक्स और स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क, थिएटर और ऑडिटोरियम अब 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वही एक तरह से अब लंबे अरसे के बाद उत्तराखंड में अब अनलॉक की तरफ यहाँ पर उत्तराखंड बढ़ गया है। वही जो सरकारी प्रवक्ता है उनियाल, उनके मुताबिक ये प्रतिबंध 27 जुलाई तक पूर्ववत यहाँ पर लागू रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली यूपी में झमाझम बारिश, हिमाचल उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट हुआ है जारी। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक पूरे देश में मानसून छा गया है जिसका असर अब उत्तर भारत में भारी बारिश के साथ देखने को मिल रहा है। वही दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में सोमवार को झमाझम बारिश हुई जिसके कारण कई जगह पर पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में
बादल फटने और नदियां उफान पर यहां पर आ जाने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहां लोगों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। वह मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ रेड अलर्ट जारी किया है। वह मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान आज लगाया है। वह हिमाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत उत्तराखंड के 13 जिलों में भारी से बहुत अत्यधिक भारी बारिश के होने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा रविवार को एक बयान में यहां पर एसडीआरएफ ने 19 जुलाई और 21 जुलाई के बीच पूरे उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश का यहां पर अनुमान लगाया है। वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रविवार को बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य लापता हो गए। वहीं एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर जगदम्ब पार्श्व ने बताया है कि एसडीआरएफ के प्रमुख ने बताया है कि यहाँ पर 28 टीमों को यहाँ पर स्टैंडबाय पर रखा गया है पूरे राज्य के अंदर। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटों में जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी से बहुत अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राजस्थान और उत्तरी कोंकण, बिहार और मध्य पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों में इसी तरह यहाँ पर बारिश की भविष्यवाणी की गई है। हिमाचल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। वहीं शिमला में पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है। पिछले 24 घंटों से वह राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल के बाकी 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। वह राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। वही यहां पर भूस्खलन की संभावना को देखते हुए एडवाइजरी में पर्यटकों को नदियां और झीलों से दूर रहने को कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो देश में 125 दिन बाद संक्रमण के सबसे कम 30,093 नए केस आए हैं सामने, 374 लोगों की हुई है मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के जो मामले हैं वो 30,073 नए मामले सामने हैं। देश में अब रिकवरी रेट 97.37% हो गया है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट भारत में 1.65% है। वहीं देश में कल 374 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,11,74,322 हो गई है। वहीं 374 नई मौतों के बाद मौतों की संख्या भारत में 4,14,485 हो गई है। वहीं देश में 45,000 से ज़्यादा लोग पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं। वहीं कुल डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 3,03,53,000 से ज़्यादा हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,06,000 के आसपास है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना की 52,67,309 वैक्सीन यहां पर लगाई गई है। इसके बाद कुल भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 41,18,00,000 पार हो गया है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के अनुसार भारत में कल कोरोना के 17,92,336 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद यहाँ पर भारत में 17,92,356 टेस्ट यहाँ पर किए गए थे, जिसके बाद भारत में कुल 44,73,00,000 से ज़्यादा सैंपल टेस्ट अब तक किए जा चुके हैं। वहीं दक्षिण का केरल राज्य इस वक्त कोरोना महामारी का सबसे ज़्यादा यहाँ पर हॉटस्पॉट बढ़ा रहा है, यानी सबसे ज़्यादा जूझ रहा है। अब हर दिन यहाँ पर नए मामलों की संख्या 10,000 से ज़्यादा हो रही है। वहीं केरल में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में संक्रमण दर 10% के आसपास थी, जो बढ़कर 11.8% हो गई।